गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोग्राफी क्लास। चैप्टर नंबर 20 और 19 दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चैप्टर होगा 23, सिंचाई एवं पेयजल। सिंचाई एवं पेयजल इंग्लिश में से कहा जाता है इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। आपको जैसे कि सिलेबस के बारे में बताया गया है, थोड़ा सिलेबस का डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आपके सिलेबस में टोटल 25 चैप्टर थे पूरी बुक में। 25 चैप्टर में एक से लेकर 12 चैप्टर तक तो आपका था विश्व या वर्ल्ड लेवल का सिलेबस। 13 से लेकर 22 चैप्टर तक आपका था भारत लेवल के चैप्टर्स आपको पढ़ने थे भारत के आधार पर। और 23 से लेकर 25 तक के चैप्टर आपको राजस्थान लेवल के पढ़ने थे। यानी कि इस सिलेबस में आपका ज्योग्राफी जो पढ़नी थी, पहला लेवल था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेकंड लेवल था आपका भारत या इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा लेवल है आपका राजस्थान की ज्योग्राफी। तो यानी कि ये दोनों लेवल की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा चलेगा राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आपको 23 यानी 23, 24 और 25 तीनों चैप्टर पढ़ने हैं, और तीनों चैप्टर ही आपके सिलेबस में है इस साल 2021 के अकॉर्डिंग। तो 23 चैप्टर आज आपका स्टार्ट करेंगे जो आपका वाटर रिसोर्स या जल संसाधन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, तो आपने अब तक कई बार पढ़ा होगा संसाधन। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, वे सभी साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे कई ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। उन्हीं संसाधनों में से या साधनों में से एक संसाधन हमारा जल संसाधन भी है, जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर जल संसाधन नहीं हो तो मानव का जीवन असंभव हो सकता है इस पृथ्वी पर। पीने के लिए भी तो पानी चाहिए हमें, और खेती करने के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सिंचाई और पेयजल में जल का उपयोग। तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड लेवल से इसका थोड़ा फ्लैशबैक में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% 71% भाग पर जल पाया जाता है, ये तो आपको भी पता है। और अब ये 71% जलीय भाग में से मात्र 3% जल भाग है जो शुद्ध जल में पाया जाता है। बाकी का 97% भाग क्या है, लवणीय जल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, लवणीय जल। तो इस 3% जल की अगर हम बात करें तो इस 3% के बहुत सारे साधन हैं। कैसे, जैसे कि नदियां, नहरें, तालाब, कुएं, बावड़ियां इत्यादि, ये सभी आपके जल के संसाधन हैं जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हो। तो स्टार्टिंग के दो संसाधनों की बात करूं तो ये आपका दो की बात नहीं कर रहे हम, इस सभी संसाधनों को याद करने के लिए हमारा लेवल थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि 10वीं क्लास में भी आपने वाटर रिसोर्स या जल संसाधन के बारे में पढ़ा था। तो ये चैप्टर उसी चैप्टर को आगे अपडेट किया गया है और उसी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। तो हमारी पृथ्वी पर जो जल संसाधन पाया जाता है वो किस तरीके से पाया जाता है, एक तो होता है इंटरनल, जैसे आप इंटरनल को हिंदी में कहोगे भूमिगत जल, क्या कहोगे, भूमिगत जल। और दूसरा रहेगा सतही जल यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, उसे आप कहोगे सतही जल। तो यानी कि
जो जल संसाधन है हमारा वो दो तरीके से प्राप्त होता है इस पृथ्वी पर हमें, कैसे देखो, पहला कौन सा है? सतही जल, और दूसरा कौन सा है? भूमिगत जल। तो दोनों के उदाहरण आप वहां से उठा सकते हो। सतही जल पहला होगा नदियां, दूसरा नहरें, तीसरा तालाब, चौथा नहीं, भूमिगत जल में देखो कुएं, बावड़ियां इत्यादि। तो सतही जल और भूमिगत जल के उदाहरण दोनों मैंने आपको अलग अलग समझा दिए। तो इस बुक में आज हम राजस्थान लेवल से जल संसाधन का उपयोग सिंचाई और पेयजल में करेंगे, यानी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर। तो राजस्थान के बारे में अब इसका इंट्रोडक्शन देते हैं हम। तो राजस्थान लेवल पर भारत देश में अगर कोई ऐसा राज्य है जहां सबसे कम जल प्राप्त होता है तो वो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान नंबर वन, यानी फर्स्ट प्लेस पर या फर्स्ट पोजीशन पर राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। लेकिन जल की बात की जाए तो उसमें भी नंबर वन है, लेकिन वो ज़्यादा में नहीं, सबसे कम में है। जैसे कि जल के स्रोतों, ये स्रोत जो मानव के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, बुक लेके बैठ जाना, पढ़ रहा हूँ इसको, यानी रीडिंग करके बता रहा हूँ आपको। कोई टिपिकल या मेजर क्वेश्चन होंगे आपके वेरी शॉर्ट वगैरह तो उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जल संसाधन की परिभाषा बताई गई है, वो कैसे है ध्यान से देखो। जल के वे साधन जो मानव के लिए उपयोगी हों, जिनका उपयोग मनुष्य करता है उसे जल संसाधन कहते हैं। जल का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सतही जल, किसकी बात कर रहा है, सरफेस वाटर, सतही जल की बात करें तो मात्र हमारे पास 1.16% जल प्राप्त होता है, यानी राउंड फिगर में कहो तो 1% जल मिलता है हमें सतही जल का। और अगर भूमिगत जल की बात करें तो 1.72, राउंड फिगर में 2% जल हमें मिलता है भूमिगत तरीके से। तो राजस्थान देश का सबसे कम या न्यूनतम बरसात प्राप्त करने वाला राज्य है। राज्य में पिछले 61 सालों में 61 ईयर्स में 43 बार अकाल पड़े हैं, 43 टाइम्स अकाल पड़े हैं। मरुस्थली क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध होने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। आपने देखा होगा जो राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र हैं, कई पिक्चर या कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा लेडीज अपने सर पर मटका या पोट रख कर चलती रहती हैं, कई किलोमीटर से पानी लेकर आती हैं। तो आप देख सकते हो कितनी परेशानियों में वो पानी उपलब्ध होता है या जल उपलब्ध होता है। तो राजस्थान में जल संसाधन का बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्व है। जल ही जीवन है। गाँव में या कहीं पर दीवारों पर लिखा हुआ यह स्लोगन देखा होगा आपने, क्यों? जल का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। इस तथ्य को समझाने के लिए राजस्थानी भाषा में कहावत दी गई है, बुक में देखना, घी डूले तो मारो काई कोनी बिगड़े, पानी डूले तो मारो जीव जले, जियो जल जाए, पानी सु फसला पके फल फूला रो ढेर, पानी जद रूठे तो धरती पर अंधेर। सिंपल लैंग्वेज या हिंदी में इसे कहा गया है कि अगर घी मेरे हाथों से नीचे गिर जाए तो मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर मेरे हाथों से पानी नीचे गिर जाए तो मेरा जी जलता है। क्यों? क्योंकि पानी से हमारे जो जितने भी एग्रीकल्चर या फसलें हैं वो पकती हैं, और जितने भी फल फूल हैं वो इसी के कारण होते हैं। पानी अगर, यानी कि बरसात हमसे रूठ जाती है, पानी का मतलब बरसात अगर हमसे रूठ जाए तो हमारी राजस्थान की धरती पर अंधेरा छा जाता है, अंधेरा का मतलब अकाल पड़ जाता है। तो राज्य के अधिकांश जल संसाधन दक्षिणी पूर्वी भाग तक ही सीमित है। अगर हम राजस्थान की बात करें, इंडिया में राजस्थान का जो ये पोजीशन है तो राजस्थान का ये दक्षिणी पूर्वी भाग है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी भाग, यही तो है, ये दक्षिण और ये पूर्व,
तो इस भाग में ही जल संसाधन अधिक मात्रा में पाए गए हैं, बाकी के इन तीनों एरिया में सबसे कम जल संसाधन पाए गए हैं। वर्तमान में राज्य में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 780 घन मीटर है, यानी कि एक साल में एक व्यक्ति को कितने वाटर की जरूरत है, कितने जल की आवश्यकता है, 780 घन मीटर की, जबकि कम से कम एक मनुष्य को, एक पर्सन या एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर पानी चाहिए, यानी कि आवश्यकता कम है, गरीबी है। यह उपलब्धता और भी घट रही है, 780 घन मीटर घट रहा है, यानी माइनस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जल में लवणता मिलती जा रही है। फ्लोराइड वाटर के बारे में आपने सुना होगा, तथा 42% लवणीय प्रभावी क्षेत्र भी हमारे यहाँ पर हैं। जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लवणीय लिए लवणता का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाए। तो राजस्थान में जल संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जल संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? सतही जल। कौन सा है? सतही जल। और दूसरा कौन सा है? भूमिगत जल। तो आज हम इन दोनों जल संसाधनों का विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे सतही जल, कौन सा देखोगे? सतही जल संसाधन। तो सतही जल संसाधन कौन कौन से हैं वो देखो ध्यान से। आपको बताया था उदाहरण, नदियाँ, झील, नहरें, तालाब, ये सभी हमारे सतही जल के संसाधन या साधन थे। चलो बुक में देखो इनके बारे में क्या कहा गया है। नदियाँ, झील, तालाब, ये प्रमुख सतही जल के स्रोत या साधन हैं। ये स्रोत प्राकृतिक हैं, किंतु इनमें नहरें निकालकर इनके जल का व्यापक क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा रहा है। नहरें कैसे निकाली गई है? जैसे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निकाली गई है। चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, ये सबसे राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताए गए हैं यहाँ पर। चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सूकड़ी, कालीसिंध, परवंद, मेज, ये राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों में उपलब्ध जल का प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बांध बनाकर हम इनका उपयोग कर सकते हैं, और बांधों से नहरें निकाली जाती है। राज्य को सिंचाई व पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षा योजना भी चलाई जा रही है। नदियों को महत्वाकांक्षा योजना का मतलब है, सिंधु नदी से हमने, सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, सतलज नदी, उससे हमने क्या निकाला है? इंदिरा गांधी नहर। तो ये जोड़ने वाला कार्य है। आगे देखो, यानी ऐसी नदियाँ जहाँ पर जल कम है उनको ज़्यादा जल वाली नदियों से जोड़ा गया है। राज्य की सिंचाई व पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी योजना भी प्रस्तावित की गई है। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा नदी घाटी परियोजना। कौन सी पढ़ी होगी? नदी घाटी परियोजना। और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो राज्य में खारे पानी, आगे देखो, नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। नदियों को जोड़ने वाला, अंडरलाइन कर लेना भाई इसको, नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। जिले भी राजस्थान में जलापूर्ति व महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्य में खारे पानी व मीठे पानी की झीलें मौजूद हैं। इनमें मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में मीठे पानी की झीलें हैं जयसम्मंद, पिछोला, फतेह सागर, ये तीनों झीलें हैं उदयपुर में। नेक्स्ट राजसम्मंद झील, राजसम्मंद जिले में है। आना सागर और पुष्कर झील, ये अजमेर में है। सिलीसेड अलवर में है। कोलायत बीकानेर में है। नवलखा झील बूंदी में। गैप सागर डूंगरपुर में। कायलाना बालसम्मंद जोधपुर में। बंद बारेठा भरतपुर में। रामगढ़ जयपुर में। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। अगर हम तालाब की भी बात करें तो तालाब भी सतही जल का एक अच्छा साधन माना जाता है। राजस्थान में लगभग 450 बड़े तालाब पाए गए हैं। तो ये था आपका सतही जल संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक आपका भू जल संसाधन। कौन सा है? भू जल संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये, इसको कंप्लीट करेंगे अब हम। यहाँ संसाधन सदियों से जल प्राप्ति के स्रोत रहे हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहा है या भूमिगत जल की बात कर रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप।
भूमिगत जल, क्योंकि इनको भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ वर्तमान में राज्य में कुएं, नलकूप, नलकूप जानते हो किसे कहते हैं, ट्यूबवेल, नलकूप हैंडपम्प भी हो सकता है, सिंचित क्षेत्र का 70% भाग सिंचित होता है। राजस्थान के लगभग 70% पेयजल स्रोत का आधार भी जल संसाधन है। अब ये दोनों संसाधन के बाद में आप पढ़ोगे यहाँ पर जल संरक्षण। भाई राजस्थान जल संरक्षण की ज़रूरत क्यों है राजस्थान में, क्वेश्चन बनेगा, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है राजस्थान में। कहने का मतलब यह है कि राज्य या राजस्थान राज्य ऐसा है जहाँ बरसात भी सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, साथ ही साथ सबसे कम मात्रा में जल प्राप्ति होती है राजस्थान। तो जल संरक्षण संसाधनों का विवेकपूर्ण का मतलब है बुद्धि से उपयोग करना, संसाधनों को हानि न हो और फालतू या व्यर्थ बहते हुए पानी को रोका जा सके, ये प्रक्रिया जल संसाधन संरक्षण कहलाती है। जल संरक्षण में नागरिक समाज सरकार की भागीदारी होना आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हम जलाशयों में औद्योगिक अपशिष्ट न डालें, कूड़ा करकट न डालें, स्रोतों के पास कपड़े नहीं धोने चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, जल में उत्पन्न खरपतवार को हटाए, खड़ीन कुंडी कोई नाड़ी जोहर तालाब ये जल संसाधन के ही साधन है, जल को इकट्ठा करने के साधन। हमारी जल संचयन और जल संग्रहण की पुरानी या परंपरागत विधियाँ हैं, हमें परंपरागत जल संग्रहण इन संसाधनों की रक्षा भी करनी चाहिए। जल के तीव्र दोहन से विकराल या विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, जल संरक्षण की निम्न विधियों को अपनाकर हम जल को संरक्षित या जल को बचा सकते हैं। यहाँ लगभग 7 विधियाँ बताई गई हैं। पहली है सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाना, दूसरा भूमिगत जल का विवेक पूर्ण उपयोग करना, तीसरा वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, चौथा वर्षा जल का संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पांचवा अपशिष्ट जल का शोधन कर उपयोग, छठा कृषि पद्धति व फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, सातवां छोटे तालाब बांधों एनीकटों आदि का निर्माण कर। अब यहाँ एक आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जल संरक्षण में, क्वेश्चन यह तो आपका होगा अमृतम जलम अभियान क्या है, अभियान भी नहीं आएगा, सीधा आएगा अमृतम जलम क्या है, बताओ। तो ये राजस्थान पत्रिका के द्वारा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया एक अभियान था जल संरक्षित करने के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, यह क्वेश्चन कैसे हो सकता है, राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था, अमृतम जलम। तो ये पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, अंडरलाइन कर लेना या नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट सिंचाई, जल संरक्षण का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा हमारा, सिंचाई यानी कि ये हेडिंग, सिंचाई यानी इरिगेशन, हमारे खेतों में या एग्रीकल्चर में या कृषि पद्धति में सिंचाई कैसे की जाती है। तो यहाँ हम भूमिगत जल संसाधन और सतही जल संसाधन दोनों का ही उपयोग करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जल संसाधन, सिंचाई ये हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे सिंचाई, इसको उठा देता हूँ जल संसाधन को। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है, यानी इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो आप सिंचाई। अब सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, चाहे वो सतही जल के साधन हो या भूमिगत जल संसाधन, उन सभी से हम सिंचाई करते हैं। चलो देखो इसमें क्या बताते हैं, वर्षा की कमी के कारण भूमि या फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। भाई सिंचाई का मतलब यहाँ पर दूसरे लैंग्वेज में बता देता हूँ, हमारे खेतों में एक तो प्राकृतिक रूप से नेचर तरीके से बारिश से जल प्राप्त हो जाए वो तो सबसे अच्छी बात है, अगर किसी कारणवश वर्षा नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, सिंचाई यानी कि किसी अन्य साधन से हम जल पहुँचाएंगे खेतों में या एग्रीकल्चर में। सिंचाई
फसल उत्पादन का एक आधारभूत संरचना का अंग है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग श्रीगंगानगर है। सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, अंडरलाइन कर लेना इसको, सिंचित क्षेत्र है श्री गंगानगर। और सबसे कम भाग है राजसमंद। सबसे ज़्यादा देखो दो क्वेश्चन बन गए आपके, सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है भाई, श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका जस्ट इसका अपोजिट, सबसे कम सिंचाई करने वाला जिला है हमारा राजसमंद। दो क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट, चलो आगे। राजस्थान में कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब ये आदि सभी सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। तो सबसे पहले कुएं और नलकूप के बारे में देखो, कुएं एवं नलकूप। तो कुएं और नलकूप में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र का 66% भाग कुओं और नलकूपों से किया जाता है 66% सिंचाई राजस्थान में। नेक्स्ट आगे देखो, इस साधन से सबसे अधिक सिंचाई जयपुर और अलवर में होती है। जैसलमेर जिले के चांदन नलकूप में मीठे पानी की उपलब्धता के कारण यह स्थान थार का गढ़ा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, थार का गढ़ा किसे कहते हैं। तो थार का गढ़ा क्या कौन सा है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, चांदन नलकूप है भैया, बीकानेर नहीं, जैसलमेर में ही है थार का गढ़ा। ये भी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मैं यहीं पर नोट करते जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करते हुए चलना साथ के साथ या अंडरलाइन करते हुए चलना जैसे तुम्हारी सुविधा हो। नेक्स्ट नहरें। तो नहरें राज्य के 33% भाग पर, में सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। नहरी सिंचाई में गंगानगर जिले का प्रथम स्थान है। वो देखो वापस क्वेश्चन आ गया, सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से कौन से जिले में की जाती है, गंगानगर में, अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद में तालाब, तीसरा है हमारा तालाब। तालाब इस साधन से राज्य की 0.7% भाग पर सिंचाई होती है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में सिंचाई का प्रमुख साधन है। पठारी भाग की बात कर रहा है इसकी, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें ना तो दक्षिण भारत में भी इसी तरीके से सिंचाई की जाती है सतही जल का उपयोग करके। तो तालाब के द्वारा सिंचाई करने में प्रथम स्थान भीलवाड़ा का है। तालाब से सिंचाई करने में प्रथम स्थान किसका है, भीलवाड़ा का, ठीक है भाई, अंडरलाइन कर लेना इसको भी। तथा दूसरा स्थान है उदयपुर का, दूसरा स्थान किसका है, उदयपुर का। अन्य साधनों से मात्र 0.3% भाग पर ही सिंचाई की जाती है। अब अगला टॉपिक होगा सिंचाई के लिए आपका क्या जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा बनता है। सिंचाई यानी कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं। लिख देता हूँ मैं, राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो बहुउद्देश्य परियोजना, कौन सी है, परियोजना चार हैं,
एक दो तीन एंड चार। पहली चंबल परियोजना, दूसरी दूसरी आपकी भांकड़ा नांगल परियोजना, भांकड़ा नांगल परियोजना, थर्ड व्यास परियोजना, चौथी माही बजाज सागर परियोजना। तो ये चार परियोजनाओं के बारे में आपको बताना होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये चारों के नाम आपको लिखने होंगे। अगला पहला हो गया राजस्थान की वृद्ध योजनाएं, राजस्थान की वृद्ध परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर लगभग लगभग 10 परियोजनाएं बताई गई हैं। कितनी बताई गई हैं? लगभग लगभग 10 परियोजना, एक से लेकर 10 बिंदु तक। बुक में पढ़ो इसको। पहली इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दूसरी गंग नहर, तीसरी भरतपुर, चौथी गुड़गांव भीखाबाई सागवाड़ा की माही नहर, पाँचवें नंबर पर ही है। छठे नंबर पर जाखम परियोजना, सातवें पर सिद्धमुख नोहर परियोजना, आठवें पर बिसलपुर परियोजना। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल योजना है ये बिसलपुर परियोजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्य की सबसे बड़ी पेयजल योजना कौन सी है, तो आप बताओगे बिसलपुर परियोजना। नेक्स्ट 9 नंबर पर नर्मदा नहर परियोजना और 10 नंबर पर इसरदा परियोजना। तो एक एक कर अन्य परियोजनाओं में देखो, अन्य परियोजनाओं में आएंगी जमाई मेजा पांचना मानसी वाकल पार्वती गंभीरी ओराई। यह हम राज्य के कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इन वृद्ध योजनाओं में जो प्रमुख है दो चार के बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भाई नहरों के बारे में आपने सुना होगा, कुछ नहर तो होती है प्राकृतिक और कुछ नहर होती है मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहरें। तो इंदिरा गांधी नहर मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहरों में आती है। इससे पहले अगर विश्व लेवल पर हम पढ़ते हैं तो दसवें चैप्टर में, वैसे डिलीट हो गया, दसवें चैप्टर में बताई गई थी स्वेज नहर, स्वेज कैनल या नहर। ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाली एक नहर थी जो बनाई गई थी। दूसरी मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहर थी पनामा नहर, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली नहरें थी। चलो इनका ज़्यादा डिस्कस करना अच्छा नहीं है, हम तो हमारे इंदिरा गांधी नहर योजना के बारे में बात करते हैं। तो यह परियोजना पूर्ण होने के बाद में विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी और इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरु गंगा भी कहा गया। अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखना। प्रदेश का मतलब राजस्थान से है, यहाँ पर प्रदेश की जीवन रेखा या मरु गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। दो क्वेश्चन हो गए, जीवन रेखा और मरु गंगा। किसकी बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, आगे देखे जाओ राजस्थान नहर। मरु गंगा भी कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को, राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है और लास्ट में इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर योजना। 1984 में रखा गया था, 1984 में 2 नवंबर 1984 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। 1984 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? इंदिरा गांधी परियोजना है। हाँ, इंट्रोडक्शन मिल गया इसका। यह राज्य की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य
पश्चिमी भाग में सिंचाई पेयजल उपलब्ध करवाना है। पश्चिमी भाग राजस्थान का, ये राजस्थान का जो पश्चिमी, देख राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट हो गया पूर्वी भाग, और ये कौन सा भाग हो गया पश्चिमी भाग, कौन सा हो गया पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में जल उपलब्ध करवाने के लिए इस परियोजना को बनाया गया है। पश्चिमी भाग में पेयजल, पशुपालन, मत्स्य पालन, अन्य उपयोग यानी मनुष्य की बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करने के लिए, दैनिक जीवन के लिए क्रियाएं करने के लिए, इसे बनाने का सुझाव 1948 में किसने दिया, कुंवर सेन ने। ध्यान से देख लेना, इंट्रोडक्शन चल रहा है डेवलपमेंट। 1948 में बीकानेर का एक इंजीनियर था, सिंचाई इंजीनियर था, कंवर सेन। क्या नाम था? कंवर सेन। इसने इसका सुझाव दिया था। इस नहर का निर्माण का मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के जल में से, रावी व्यास और सतलज नदी के जल को, जल में से, अरे क्या है, जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फिट जल का उपयोग में लेना था। इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 1952 में शुरू किया गया। सतलज व्यास नदी के संगम पर, सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज पर का काम शुरू किया गया। हरी के बैराज से बाड़मेर में गडरा तक नहर का लक्ष्य रखा गया, जिसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर की जलापूर्ति की। ये टोटल 8 जिले हैं, ध्यान रखना, जितने भी नाम मैंने पढ़े ना 8 जिले हैं। तो ये 2 चरणों में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ था, 2 स्टेप या 2 चरणों में। पहले स्टेप में शुरुआत के 4 जिलों में आई और दूसरे चरण में आखिरी के 4 जिलों में आई, 8 जिलों में से। बैराज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, बैराज का मतलब ऐसे बांध जो कृषि कार्य के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें बैराज कहा जाता है। पीने के लिए नहीं, केवल कृषि के लिए। तो हरी के बैराज के हनुमानगढ़ मैप के अकॉर्डिंग चले तो बढ़िया रहेगा। किधर बनाऊँ मैप, यहाँ पे राजस्थान का मैप नहीं बनाना था अभी मेरे को, तो इंडिया का ही बनाता हूँ मैं तो। और राजस्थान का जो उत्तरी पार्ट है, यहाँ से हनुमानगढ़ से, कहाँ से बेटा, हनुमानगढ़ के मसीतावाली से स्टार्ट होकर देखो आगे तक कहाँ कहाँ जा रहा है। ये मसीतावाली तक 204 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर तो पंजाब हरियाणा में है और मात्र 35 किलोमीटर राजस्थान में है। फीडर नहर है, किसी नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं होता है, उसे फीडर कहते हैं। हाँ, पूछ ले एग्जाम में फीडर किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? नहर का ऐसा हिस्सा जिसके जल का उपयोग नहीं होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? फीडर। समझ में आया? तो फीडर सहित मुख्य नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर, वितरिकाओं की लंबाई लगभग 9060 किलोमीटर है। इनमें लगभग 18,72,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की जाती है। नहर का अंतिम छोर वर्तमान में गडरा रोड तक है, इसे आगे गुजरात तक यानी कि बाड़मेर तक पहुंचाया गया। कहाँ तक? बाड़मेर से आगे इसे गडरा रोड को गुजरात का जो ये पार्ट है गुजरात में पहुंचाकर इसे कच्छ की रन में छोड़ने का इरादा है, जिससे कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन यानी जल मार्ग का उपयोग किया जा सके। आगे से गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़कर इसमें छोटे जहाज व नावों का संचालन किया जा सकता है। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे 2 चरणों में। तो प्रथम चरण की जो लंबाई थी 345 किलोमीटर थी और 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना था। द्वितीय चरण में लगभग 256 किलोमीटर की मुख्य नहर बनाई गई, जिसमें
5,780 किलोमीटर क्षेत्र में वितरिकाओं का निर्माण किया गया और लगभग 7,00,000 हेक्टेयर यानी 6.97 लाख हेक्टेयर सिंचाई करना था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों से तथा 70% भाग वितरिकाओं से के माध्यम से होता है। थार मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए 8 उत्थापक नहरें बनाई गई। ये नहरें गंदेली नहर, सावा, चौधरी कुंभाराम, लिफ्ट नहर। अब देखो, थार के मरुस्थल में ढाल पश्चिम में होने के कारण, वापस देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो राजस्थान का ये क्षेत्र समझ में आ गया। ये कौन सा है? पूर्वी भाग, और ये कौन सा है? पश्चिमी भाग। तो नहर में यानी कि ये ढाल किस तरफ है? पश्चिमी भाग में। अब इस तरफ के जिलों में पानी लाने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? क्या लगाएंगे? लिफ्ट। क्या लगाएंगे? लिफ्ट। लिफ्ट का यूज़ क्या करते हैं? फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पानी को ऊपर उठाने के लिए लिफ्ट का उपयोग किया गया। हमारे घरों में पानी को ऊपर उठाने के, दूसरे फ्लोर पर पहुँचाने के लिए किसका यूज करते हैं? मोटर का। सेम वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर लगभग 8 लिफ्ट लगाई गई है। उत्थापक का मतलब क्या है? 8 लिफ्ट लगाई गई है। वो कौन कौन सी और कौन कौन से क्षेत्रों में लगाई गई है वो भी ध्यान से देख लो। पहली है गंदेली नोहर सावा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। दूसरी है बीकानेर में लूणकरणसर में कवरसेन लिफ्ट की दो नहर। ये कवरसेन वही है जिसने इस परियोजना का आइडिया दिया था, ये रहा। तीसरी है गजनेर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बांगड़सर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। कोलायत में डॉक्टर कर्णी सिंह लिफ्ट नहर। फलौदी में गुरु जमशेद लिफ्ट नहर। पोखरण में जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो ये थी लिफ्ट नहरों के नाम। इंदिरा गांधी नहर से प्रमुख शाखाएँ जो नहरें निकाली गई वो कहाँ कहाँ से निकाली गई? 9 क्षेत्रों से निकाली गई थी। पहला है हनुमानगढ़ में रावत सर शाखा से, दूसरी श्रीगंगानगर सूरतगढ़ शाखा, और तीसरी भी श्रीगंगानगर में ये अनूपगढ़ शाखा से, चौथी बीकानेर के पोंगल शाखा से, पांचवी बीकानेर से है। यानी कि 3-4 शाखाएँ हैं इसकी। चारणवल शाखा बीकानेर, दातौर शाखा बीकानेर और बिरसलपुर शाखा बीकानेर में। 8वें और 9वें नंबर पर है बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर में, और 9वीं भी है सागरमल गोपा शाखा। तो ये आपने शाखाएँ यानी नहरों के बारे में देखा। अब आप आगे देखोगे लाभ, यानी कि इंदिरा गांधी नहर से हमें कौन कौन से लाभ हो रहे हैं। सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ, व्यावसायिक फसलों के पैदावार, नए नगर, व्यापारिक मंडियों की स्थापना, पशुपालन मत्स्य पालन का विकास, वर्तमान उन व्यवसायों को लाभ, 9.5 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन संभव होना, मरुस्थल पर नियंत्रण, वन क्षेत्र चरागाहों का विकास, बंजर भूमि का विकास संभव है। सूरतगढ़ अनूपगढ़ शाखा व 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं। इस परियोजना से गंगानगर बीकानेर जैसलमेर जिले की 12.74 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों की लगभग 1.8 करोड़ जनसंख्या पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। उद्योगों व उत्पादन के केंद्र को भी पानी उपलब्ध हो रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र से सिंचाई की सुविधा, कृषि उत्पादन बढ़ाया, अकाल पर रोक लगाने के लिए तथा क्षेत्र में मानव अधिवासों को प्रोत्साहन देने के लिए और विद्युत उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, खनिज उद्योग, मत्स्य उद्योग का भी विकास हुआ है। लोगों की आय बढ़ाने से जीवन स्तर में सुधार आया है। तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगली परियोजना आप पढ़ोगे चंबल परियोजना। कौन सी पढ़ोगे? चंबल। 4 परियोजनाएँ पढ़ी थी ना हमने, मुख्य परियोजना। तो अब आप पढ़ोगे चंबल परियोजना। चंबल नदी का नाम तो सुना होगा, राजस्थान की प्रमुख नदी है चंबल नदी, यानी कि राजस्थान की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा, वो तो नहर थी, मरुगंगा तो नहर थी, नदी की बात करें तो ये है। चलो चंबल नदी देखो, चंबल नदी नहीं है, चंबल परियोजना। मैं भी तुम्हारे साथ साथ बावड़ा हो जाता हूँ।
तो चंबल परियोजना कहाँ से है, कहाँ तक जाएगी? तो वैसे नॉर्मली बता देता हूँ, मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होती है, राजस्थान में आती है, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से गंगा नदी में मिल जाती है। समझा दिया? तो अब चंबल नदी पढ़ लो, राजस्थान का ही पढ़ना है, बाहर का नहीं पढ़ना। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर है, यानी 50-50% की हिस्सेदारी है, 50-50% जल का उपयोग कर सकते हैं। चंबल परियोजना का कार्य 1952-54 में शुरू हुआ था। परियोजना का प्रारंभिक उद्देश्य चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त कर 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करना था। यहाँ से 230 मेगावाट बिजली या विद्युत उत्पादन करना था। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं, चंबल योजना में 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। पहला है गांधी सागर बांध, कौन सा है? गांधी सागर बांध। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। इससे तो अच्छी ऑफलाइन क्लास थी, कम से कम तुम बोलते थे, मैं लिखता था, कोई नहीं। जवार सागर बांध। और चौथा है आपका कोटा बैराज। तो इन चारों को शॉर्ट टाइम में पढ़ना है, जिससे कि हमारी चंबल परियोजना कंप्लीट हो। सबसे पहले पढ़ेंगे गांधी सागर परियोजना। ये बांध 1960 में बना था। कब बना था? 1960 में। आगे देखो, ये बांध चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर पहले एक घाटे में बनाया गया। इसमें से 2 नहरें निकाली गई थी, पहली थी लेफ्ट और राइट, यानी कि बाई नहर बूंदी तक जाकर मेजा नदी में मिलती है, दूसरी नहर थी पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली गई। यहाँ पर एक जल विद्युत स्टेशन भी है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर डैम, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, तो इसका लिखा है इसका, ठीक है। तो पहला बांध कहाँ है पता चल गया। दूसरा देखो, राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ एरिया है वहाँ पर बनाया गया है, 48 किलोमीटर आगे। कौन सा? चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था, 1970 में। ये राणा प्रताप सागर डैम, शॉर्ट फॉर्म चल रही है, पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। आगे ये मानचित्र के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें। नेक्स्ट, जवार सागर डैम या बांध रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा में, कहाँ बेटा? कोटा में। इस कोटा में क्या नाम है इसका? जवार सागर डैम। हाँ, कोटा के पास में बोरावास गांव में बनाया गया। यह एक जल विद्युत शक्ति ग्रह भी है। अब आखिरी है कोटा बैराज, इसी के पास में होगा कोटा बैराज, ये लो कोटा बैराज। तो कोटा बैराज ये कोटा शहर के पास में बनाया गया है, केवल सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से बनाया गया है, तो बांध को बैराज कहते हैं। वापस सुनो, बैराज किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, लैंग्वेज यहाँ पर है, यानी परिभाषा यहाँ है। केवल सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से बनाए गए बांध को बैराज कहते हैं, समझ में आ गया। इसमें 2 नहरें निकाली गई हैं, दाई नहर पार्वती पर्वत नदी के पार करके मध्य प्रदेश में चली गई, जबकि दूसरी नहर राजस्थान के कोटा बूंदी जिलों में सिंचाई की जलापूर्ति करती है। तो भैया, चंबल परियोजना के कारण ही कोटा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना है। बाढ़ों पर नियंत्रण के साथ साथ 5.5 लाख यानी 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। क्षेत्रों में कृषि का तेजी से विकास हुआ है। चंबल क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। अब 2 योजना आपकी हो गई, चंबल परियोजना भी हो गई, इंदिरा गांधी परियोजना भी हो गई, तीसरी कौन सी थी भैया? लिखाई थी ना 4 योजनाएं। क्या यार, सारा का सारा मैं ही बताऊंगा, तुम क्या देखोगे? जोर से बोलो। माही बजाज सागर, तीसरे नंबर की कौन सी थी? माही बजाज सागर परियोजना। तो
तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है, यहाँ पे लिख देता हूँ राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त योजना है, जिसमें इसका 45% और इसका 55% भाग हिस्सेदारी है। समझ में आ रही है, बुक में यही पढ़ेंगे आगे देखो। तो दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र जानते हो, जनजातीय क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम सुना होगा जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, उसकी बात कर रही है। तो ये दो जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जिलों को जनता की समृद्धि के लिए राजस्थान एवं गुजरात की एक संयुक्त परियोजना बनाई गई है। सन 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान में 45% और गुजरात में 55% हिस्सा रहेगा। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ दो नहरें और बनाई गई हैं, जिसमें विद्युत ग्रह, दो लघु विद्युत ग्रह कागदी पिकअप बांध भी बनाए गए हैं। इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में? 1, 2, 3। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ स्टेप, चरण आप लिख लेना स्टेप, और चरण लिख देता हूँ तीसरे, मज़े ले रहा हूँ तुम्हारे। तो प्रथम चरण बांसवाड़ा के समीप बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? मैं राजस्थान, इस ये राजस्थान का क्षेत्र आ गया और यहाँ पर कौन सा है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में कौन सा डैम बनाया गया है? माही बजाज सागर, माही बजाज सागर डैम, ठीक है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 6,240 वर्ग किलोमीटर। इस बांध का भराव क्षमता है 72.70 TMC, पानी को भरने की क्षमता है TMC कैपेसिटी। सेकेंड स्टेप, डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा हेतु आनंदपुरी व सागवाड़ा नामक दो नहरें निकाली गई है। इन वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है। इस परियोजना के द्वारा 1.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया है। तीसरा चरण, इसमें दो विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, जिसमें 140.95 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। सिंचाई एवं विद्युत की सुविधा मिलने के कारण इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक जीवन में बदलाव आया है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव आया है। ये परियोजना इस आदिवासी बहुल क्षेत्र की वरदान साबित हुई है। राजस्थान में सिंचाई के विकास हेतु सुझाव दीजिए। राजस्थान में सिंचाई की सुविधा हेतु विकास के सुझाव देने हैं। लगभग 10 सुझाव दिए गए हैं, वो आपको लिखने पड़ सकते हैं। यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पहला सुझाव है, उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। दूसरा, भूजल का उपयोग पूरी सतर्कता से होना चाहिए। तीसरा, नदी बेसिन आधार पर जल के संबंध में सघन नियोजन किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीकी विधियों को प्रयुक्त कर जल रिसाव वाष्पन से होने वाली जल क्षति को घटाना चाहिए। फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए। छठा, भूजल सतही जल का मिला जुला उपयोग होना चाहिए। सातवें नंबर पर सुझाव है, जल मार्गों और खेतों की नालियों की लाइनिंग को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। आठवें नंबर पर चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना, ताकि उनसे प्रतिफल प्राप्त हो सके। नई योजनाओं को चयनित आधार पर स्वीकार करना चाहिए। 10 पर है, परियोजना के रख रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यह इस तरीके से आपका सिंचाई वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आपका बाकी रहता है पेयजल, पेयजल को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।